हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज 31 अक्टूबर है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, चाहे आपके एग्जामिनेशन में फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, डेडिकेटली वर्क करती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। साथ में आप सारे वीडियोस के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं और क्विजेज भी यहाँ पे आप भाग ले सकते हैं क्विजेज में, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के तरफ। तो आज 31 अक्टूबर है और आज ही के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था नाडियाड में, गुजरात के। इंपॉर्टेंट वीवीआई फैक्चुअल क्वेश्चन, जैसे ही यूपीएससी में आईएएस का एग्जाम हो जाएगा, आपका सीएपीएफ का एग्जाम हो जाएगा, आपका सीडीएस का एग्जाम हो जाएगा, और व्यक्ति विशेष पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा वहां पे, तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड कौन सा कथन गलत है या सही है। तो इसको कवर करने के लिए आपको ऐसे सेशन में भाग लेना पड़ेगा, तभी आप ऐसे सेशन को कंप्लीट कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप कवर कर पाएंगे। तो 31 अक्टूबर 1875, मतलब 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाद गुजरात के नाडियाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। उनका जो जन्म हुआ था वो एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जो था वो झावेर भाई था और माता का नाम लाडवा था। ये एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन जानना जरूरी है, खुदा ना खास्ते अगर आता है तो एग्जाम में हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 3 भाई बहन थे, ठीक है, और वो सबसे छोटे और चौथे नंबर पे थे। मतलब एक भाई या फिर एक बहन की मृत्यु उनके जो है वो उस वक्त हो गई होगी, तभी वो चौथे नंबर पे थे। बाकी अगर हम लोग देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो इनिशियल एजुकेशन था, प्रारंभिक शिक्षा जो थी, वो गांव में ही पूरी हुई थी। बाद में उन्होंने क्या किया कि एक छात्रवृत्ति ली, स्कॉलरशिप लिया, और उन्होंने लंदन में जाकर के बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर ली, वकालत कर ली उन्होंने, और फिर वो भारत में अहमदाबाद आकर के वकालत करने लगे। इंपॉर्टेंट है ये। अब यहां से आता है टर्निंग पॉइंट, जो एग्जाम में आते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब आता है यहाँ पे कि सरदार पटेल की जो सक्रिय राजनीति में जो आना हुआ था वो 1970 में आना था, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड में उन्होंने, वो तो 1970 में आ चुके थे, जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उसके बाद जो है होता क्या है कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात क्या आता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो है वो प्रॉपर तरीके से जाँच नहीं होता है, और निर्दोष का नरसंहार जब हुआ था तो उसके विरोध में उन्होंने बैरिस्ट्री जो है वो बैरिस्ट्री से त्यागपत्र दे दिया, और उन्होंने क्या किया कि जो है वो देश की सेवा के लिए, ठीक है, राष्ट्र की सेवा के लिए वो आंदोलन में कूदना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ा करके राष्ट्रीय शिक्षा देने के लिए काशी विद्यापीठ, उस वक्त काशी विद्यापीठ में जो है वो पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, और यहाँ पे जो है ये टोटली जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा और जो है वो भारतीय शिक्षा प्रदान करती थी। तो यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा की वृद्धि के लिए उन्होंने क्या किया कि वर्मा में जाकर के 10 लाख रुपया वसूला और जो है वो यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करने का काम किया। 1920 में वो क्या करते हैं कि महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेते हैं और वो बरदोली चले जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने शराब पीने पर प्रतिबंध लगाया था। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और इसके साथ ही जो है वो बरदोली सत्याग्रह भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। 1920 में जो है 75 गांवों का नेतृत्व करते हुए सरदार पटेल ने बोला था कि कर नहीं देंगे, ठीक है, कर नहीं अदा करने पर, कर नहीं अदा करने के लिए बरदोली सत्याग्रह किया गया। और यहां पे क्या हुआ था कि सरदार पटेल इसमें जीते, उन्होंने कर को माफ करवाया था, और इसी कारण से वहां की औरतों ने पटेल को जो है वो सरदार की उपाधि दे दी, इसको आप सरदार कर लीजिएगा, यहाँ पे सरदार की उपाधि दे दी थी। 1930 में नमक सत्याग्रह करने के बाद जो है पटेल जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। जैसे ही नमक के ऊपर कर लगा दिया गया तो महात्मा गांधी ने बोला कि अब हम खुद से नमक बनाएंगे और खुद से नमक बना करके पूरे देश को जो है वो सस्ते जो है वो नमक प्रोवाइड करेंगे और उनको जो है वो स्वदेशी के लिए प्रेरित करेंगे। जैसे अभी आप जो है वो मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
और जो है वो भारत निर्मित चीजों की बात करने लगे हैं आजकल, ठीक है ना। तो उस वक्त भी इस तरीके के जो है वो स्टेप लिए गए हुए थे, जो नमक से स्टार्ट हुआ था, कपड़े जलाने से स्टार्ट हुआ था, स्वदेशी आंदोलन से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और आज ये नया मोड़ ले चुका है, इसको राजनीति के तौर पे कहिए या फिर नए तौर पे कहिए, या अलग मोड़ ले रहा है, लेकिन स्टार्ट जो है वो हमारे पूर्वजों का ही किया हुआ है। बाद में जो है नेहरू के गिरफ्तार हो जाने के बाद पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले हुए थे। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ पे डीप स्टडी करने के लिए आपको जो है वो अलग से हमारे सेशन को जो है वो देखना पड़ेगा, जो मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। लेकिन ये आपको दिया गया हुआ है ऊपर से समझने के लिए कि आप रिलेट कर पाएंगे उस वक्त आसानी से कि हाँ यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे वो हुआ था। आगे अगर हम लोग आएंगे तो 1946 में जब अस्थाई सरकार का गठन हुआ था तो वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री का नियुक्त किया गया हुआ था। और फिर क्या हुआ कि वो विभाजन के खिलाफ में थे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वो इसके ऊपर थोड़ा सा स्टेप लिया और 562 जो रियासत थे उनको भारत में विलय करने का बहुत बड़ा काम किया हुआ था। और हैदराबाद का जो निज़ाम था उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, इंडिया को धमकी दे रहा था, उसको जो है वो फौज की कार्रवाई करके, 3 दिन की फौज की कार्रवाई करके भारत में मिलाने का बहुत बड़ा काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर जब कवर करना स्टार्ट करेंगे तो ये सब आपको बहुत आसानी से जो है वो फैक्ट्स को समझने में हेल्प करेगा। 1949 में जो है निजाम फिर से भारत जो वल्लभ भाई पटेल का स्वागत किया हुआ था जैसे ही वो आया। आज के समय में एक बहुत बड़ा मैटर बन करके हमारे सामने आता है, तिब्बत का पठार, ठीक है, तिब्बत का सीमा, ये बहुत बड़ा मैटर बन करके हमारे सामने आता है। तो चीन जो है वो 40,000 वर्ग फीट में जो है वर्ग किलोमीटर में भारत पे कब्जा कर लिया हुआ था, और पटेल जो है वो उसको सावधान किए थे कि भाई तिब्बत को जो है ना वो चीन का अंग मानने की भूल नहीं करे, ठीक है। लेकिन नेहरू जी इसके विपरीत थे और चीन को तिब्बत सौंपना चाहते थे, और इस कारण से आज भी चीन तिब्बत का जो मैटर है वो हमारे लिए जो है वो एक अनसुलझा मामला है, केवल उस वक्त के पॉलिसी के कारण, कुछ गलत तरीके के कारण। और यही तरीका जो था वो 1961 में जो है युद्ध का कारण बना हुआ था। पटेल के ऐतिहासिक कार्यों में अगर हम लोग देखें तो सोमनाथ का मंदिर का उन्होंने जीर्णोद्धार किया था, मतलब उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया था इन्होंने। ये पटेल की बहुत बड़ी जो है वो उपलब्धि थी, ठीक है, इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से दूर करने में पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। कश्मीर समस्या के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्कशन किया था, लेकिन जो नेहरू थे जिनकी एक समझिए तो एक गलत राजनीति पॉलिसी के कारण, ठीक है, ये यूएन गया और अब जा करके जो है वो 370 को हटाया गया और 35A को हटाया गया हुआ है। तो ये रॉन्ग पॉलिसी मेकिंग के कारण इस तरीके के प्रॉब्लम आए हुए थे। और नेहरू और पटेल की विचारधारा जो थी वो बहुत अलग अलग थी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझिए, और ये समझिएगा तब आप मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेशन चलेगा उसमें आप इसको बहुत आसानी से कवर कर पाइएगा। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो 31 अक्टूबर को जो आज है इसमें उनको एक सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस की घोषणा की गई हुई थी। और यही एकता दिवस 31 अक्टूबर के कारण स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इसको भारत का जो सबसे बड़ा अभी स्टैचू बनाया गया हुआ है उसको बनाया गया हुआ था गुजरात में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके नाम पे, उनके उनके कारण, उनका जो एक वर्क करने का तरीका था कि हम यूनिटी में वर्क करेंगे, इसके कारण ही उसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया। और यहाँ पे उसको 31 अक्टूबर को जो है उसको ये किया गया हुआ था, उसका लोकार्पण किया गया हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट। अब आते हैं 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हो जाती है और वो जो है वो स्वर्ग चले जाते हैं। ये दुख की बात आज इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसे लोग जो है कुछ ऐसे काम करके गए हुए हैं जो भारत को आज भी गौरवान्वित करते रहता है। तो मृत्यु एक सत्य बात है, मृत्यु जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक अकाट्य सत्य है, एक अकाट्य सत्य है, तो इससे विचलित नहीं होना है। लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया
जो आज भी इनको जो है वो भारत में जीवित रखने का काम करता है, आज भी ये हमारे दिलों में बसे हुए हैं। 1991 में 41 वर्षों के बाद जो है वो भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया हुआ था, ठीक है, मरणोपरांत, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया हुआ था 1991 में 41 साल के बाद। ये पॉलिसी थी हमारी गवर्नमेंट की, आज भी है इसी तरीके की पॉलिसी। अगर हम लोग देखें तो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, जो आईएएस के एग्जाम में पूछता है, जो आपके सीएपीएफ के एग्जाम में पूछता है, जो आपके सीडीएस के एग्जाम में पूछता है, जो फैक्ट्स, वो आपको जानने जरूरी है। और वो अभी यहीं से जानिएगा, तभी आप इस फैक्ट को कवर कर पाइएगा कि इनसे रिलेटेड जो बात पूछेगा उसमें क्या क्या पूछ सकता है। तो 1970 में अहमदाबाद नगर पालिका के काउंसलर के रूप में उन्होंने काम किया हुआ था, और उस वक्त वो बैरिस्ट्री करते थे। 1924 में अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। 1931 के कराची अधिवेशन में उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया हुआ था। ये मोस्ट वीवीआई, इसको आप कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आजादी के बाद पहले उप प्रधानमंत्री बनने का जो काम किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक गृह मंत्रालय के पद पे उन्होंने काम किया। 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के रूप में उन्होंने काम किया था। ये वीवीआई क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर है जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानना जरूरी था, जिसको हम लोगों ने कवर किया। ये इनकी जीवनी के टाइप से मैंने इसको कवर नहीं किया है आज, आज इसको हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किए हैं। तो ये था आज के वीडियो के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। साथ में पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। क्विजेस भी आपको फ्री मिलते हैं वहां पे, तो बने रहिए स्टडी स्प्रिंग के साथ। आज हम लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवनी के से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट थे, उसको हम लोगों ने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक को कवर करेंगे। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।